नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका लयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से। आज मैं आपको कक्षा आठवीं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार से अवगत कराऊंगी कि वर्ण विचार होते क्या हैं। हमने देखिए फर्स्ट चैप्टर भाषा लिपि और व्याकरण जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमारा पढ़ा हुआ है कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। भाषा को जब हमने बोलना सीखा तो उसको लिखने के लिए हमने लिपि को यानी चिन्हों को काम में लिया, पर उन चिन्हों को कैसे और किस तरीके से काम में लिया वो हमने वर्ण विचार के माध्यम से सीखा। वर्ण विचार व्याकरण का प्रथम विभाग है। तो देखिए वर्ण विचार के बारे में हम करते हैं अध्ययन। एक शब्द देखिए फूल, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं फू और ले। फू और ले के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, फ प्लस उ फू और ले प्लस ए ल फू। अतः ये ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण, क्योंकि फ प्लस उ तो हमने टुकड़े कर दिया लेकिन फ के फिर टुकड़े नहीं हो सकते, ले के टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब ले प्लस ए तो आधा ले है जो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, अ के टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, यानी वर्णों के क्या नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। तो हम इसको बोलेंगे वह छोटे से छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। वर्णों का महत्व है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे आ प्लस मैं प्लस अ आम, क प्लस ए के प्लस ले प्लस आ ला केला, क प्लस ए से बना के, ल प्लस आ से बना ला केला। अब आप जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, अतः वर्ण भाषा के मूल आधार हैं। अब हम क्या जान गए हैं कि शब्दों के मेल से हमारे क्या बने, वाक्य बने, और वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, वर्णमाला। वर्णों का जो समूह है होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में दो तरीके के वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में दो तरीके के वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, कौन कौन से वर्ण है, स्वर और व्यंजन। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं, जैसे ए आ ई ई उ री ए आई ओ औ। देखिए स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ आ ई ई उ री ए आई ओ औ। ये स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, स्वरों की संख्या हमारे पास 11 होती है, 11 हमारे पास स्वर होते हैं। देखिए ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए ये सब स्वर हैं। इनमें अ ई उ री मूल स्वर हैं, इनमें से री का हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है, केवल ऋतु ऋण या ऋषि जैसे कुछ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। री और री के उच्चारण इतने मिलते जुलते हैं कि आज उनमें स्पष्ट रूप से भेद करना कठिन है। यो भी कह सकते हैं कि ऋतु री का मूल संस्कृत उच्चारण हम भूल चुके हैं और आज उसके जगह पर हम री का प्रयोग करने लग गए हैं। देखिए स्वर के हम भेदों को पढ़ते हैं। 11 अपने पास स्वर थे, हमने उनको डिवाइड करने के लिए स्वर के भेद रखे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवेल, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें समय नहीं लगता, ये फटाफट हमारे मुख से निकल जाते हैं, तो इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए ई उ री अ ई उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है,
वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें मूल स्वर से दुगना समय लगता है, ये हास्य स्वर है जिनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, इनसे दुगना स्वर हमें किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है, आ ई ऊ ए आई ओ औ। इनकी संख्या अपने पास कितनी हुई, इनकी संख्या अपने पास हुई 7 और इनकी संख्या अपने पास हुई 4। तो 7 और 4 मिला के कितने बन जाते हैं, 11 स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी हस्व स्वर को हमने क्या माना था, मूल स्वर माना था, इससे दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है, और हस्व से तिगुना स्वर हमें किस समय किस में लगता है, प्लुत स्वर में। तो देखिए ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए पुकारे जाते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के इनके लिए इनके आगे 3 का साइन लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय, जैसे ओम इसको तेज बुलाया जाता है, अरे राम अरे श्याम तेज बोलने के लिए, हे राम इस तरीके से। याद रखिए इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, सभी स्वरों का अनुनासिक भी उच्चारण होता है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं इस चीज में। देखिए ए के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगा सकते हैं, आ के ऊपर लगा सकते हैं, ई के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जिन शिरो रेखा पे ये देखिए इस तरीके से मात्रा आ जाती ना, उसके पास में हम इसको बिंदी से ही लगाते हैं, चांद नहीं लगाएंगे। ऊ के ऊपर अपन ये लगा सकते हैं, ऊ के ऊपर, ए के ऊपर, लेकिन आई के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि आई पे मात्रा आ जाती है, इसलिए हम चंद्र बिंदु को डॉट के रूप में लिखना पड़ता है। ऐसे ओ और औ के ऊपर भी आप मात्रा नहीं लगा सकते, इनको भी हमें डॉट के रूप में ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें हमारा व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्रश्वास मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस है मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे क, ख, ग और घ। अब देखिए ये नीचे इसके हल चिन्ह लगाया गया है। हल चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ये स्वर रहित है, यानी इनमें अभी स्वर मिक्स नहीं है, ये सिर्फ बिना स्वर के हैं, ये सिर्फ व्यंजन है। तो व्यंजन का मूल रूप ऐसे ही होता है कि इसके नीचे हल चिन्ह लगे हैं। अब कह है, कह में हमने स्वर मिला दिया ए, तो ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, क। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से देखिए क के साथ में आ लगा दू मान लो, तो क्या बन जाएगा, का, की, ई लगाने से की, कू लगाने, ऊ लगाने से कू। तो देखिए हल चिन्ह क्या होते हैं, यह स्वर रहित होने का चिन्ह है। जहां कहीं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, वहां हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप लिख के देखिए, कोई ऐसा व्यंजन है जो आधा है, जैसे विद्यालय, तो वी, अब द आधा है, द आधा है, इसका मतलब हमें हल चिन्ह लगाना पड़ेगा, विद्या लय। जहां पर आधा होता है वहां नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये वर्ण आधा है, स्वर रहित है, आधा मतलब स्वर रहित है। नेक्स्ट देखिए, स्वर युक्त व्यंजन और उनके वर्ण। देखिए हमें व्यंजन लिखना आता है, क ख ग ढ में आते हैं, तो क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न प फ ब भ म। तो क से लेकर प तक की जो लाइन है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब हम इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं वो हम इस चित्र के माध्यम से जानेंगे। देखिए चित्र, हमें एक चित्र दिखाया गया है, तो इस चित्र में हमें क्या बताया गया है कि इस चित्र में हमें ये बताया गया है कि हम जब कोई भी व्यंजन बोलते हैं
तो जीभ हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है और जिस भाग को स्पर्श करती है उसी को हम इसका नाम देते हैं। जैसे क की लाइन है क वर्ग, तो देखिए बोल के देखिए आप मेरे साथ साथ क ख ग घ ळ, तो ये बोलने से हमारे कहां से आवाज आई, कंठ से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहां हो गया, कंठ हो गया। इसलिए स्पर्श व्यंजन में फर्स्ट जो लाइन है क वर्ग, इसको हम नाम देते हैं क वर्ग। क ख गड़े की लाइन है, फर्स्ट जो अक्षर होता है उसी से हम इसको नाम देते हैं। जैसे कह की लाइन का फर्स्ट अक्षर क है तो हम इसको क वर्ग बोलेंगे। चय की लाइन का फर्स्ट अक्षर क्या है, चय है, तो हम इसको चय वर्ग बोलेंगे। टय की लाइन का फर्स्ट अक्षर टय है इसलिए हम इसको टय वर्ग बोलेंगे। तय की लाइन का फर्स्ट अक्षर तय है तो हम इसको त वर्ग बोलेंगे। पय की लाइन का फर्स्ट अक्षर प है तो हम इसको प वर्ग बोलेंगे। तो इस तरीके से स्पर्श व्यंजन है। क को हमने बोल के देखा, उसके बाद में देखिए चय को आप बोलिए चय छ झ्य, यानी हमारी जो जीवा है वो हमारी तालु से टकरा रही है इसको, इसलिए इसको इसका उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ड ढ, तो इसमें हमारी जो जीवा है वो उल्टी हो जाती है, उल्टी होकर हमारे तालु से टकराती है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धा। नेक्स्ट देखिए तय की लाइन तय थ द ध ने, तय की जो लाइन है जो तय वर्ग है वो उसमें हमारी जीवा कहाँ टकराती है, हमारे दांतों से टकराती है, इसलिए इसको उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, दंतव्य या दांत। प वर्ग, प वर्ग में हमारे होंठ आपस में मिलते हैं इसलिए इसे ओष्ट कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ट। नेक्स्ट देखिए नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण हमारी नासिका से होता है और इनको हम अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं डे अण न और मैं, इसको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। साथ ही साथ ये अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ तालु दांत और होठों के निकट आने से होता है किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। अपने अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये र ल व। उष्म व्यंजन देखिए श स स ह, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण के साथ होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते हुए तालु को, स का उच्चारण करते हुए दांतों की जड़, और श को मूर्धन्य कहा जाता है किंतु इसका उच्चारण भी अब क्षय की भांति ही होने लग गया। तो बच्चों आज हम अपनी क्लास में सिर्फ स्वर और व्यंजन ही पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में हम अयोगवाह है यानी अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग द्वितीय व्यंजन ये सब चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।